ओम शांति। 22 अक्टूबर के ईश्वरवदन में आप सबका स्वागत है। हम ऐसे कौन से कर्म करें ताकि परमपिता परमात्मा हमें हर समय हमें हेल्प करते रहें और हम ये सोचें, ये समझें, हम ये महसूस करें कि हमें जो भी करना है परमात्मा की गाइडेंस में हो रहा है और जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं परमात्मा का हाथ है और हमसे कुछ गलत नहीं होगा। इस कारण जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ वो और भी अच्छा हुआ। और परमात्मा चाहते हैं कि हर बात में हम परमात्मा की जो महावाक्य उनको हम पढ़ करके समझ करके उसके हिसाब से चलें। तो एक कंडीशन अप्लाई होती है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर। तो हर बात में कल्याण समझकर अचल अटोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भवा। हर बात में कल्याण समझकर अचल अटोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भवा। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो। हम ज़्यादातर अगर शॉर्ट विजन अपना देखें, अगर हम सोचते हैं कि इसी समय में कोई फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, मुझे कोई नुकसान क्यों हो गया, तो उस समय जो हमें नुकसान दिख रहा था उस कारण से अगर हम त्रिकालदर्शी होकर के ना देखें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, तो हम उस समय के नुकसान को देख करके हम लोगों को ब्लेम करते हैं, लोगों से नफरत करना शुरू करते हैं, घृणा करना शुरू करते हैं और साथ ही साथ लोगों के साथ में अपने रिश्ते जो होते हैं संबंध होते हैं बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए परमानंद कहते हैं कि त्रिकालदर्शी होकर देखो। अब त्रिकालदर्शी का मतलब क्या है देखते हैं आगे। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। इस समय जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो। परमात्मा ने जो गाइडेंस दी है हमें कि किसी भी समय आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, माया हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा आ रही हो कोई प्रॉब्लम, चाहे पांच तत्वों की प्रॉब्लम आ रही हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। देखिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। लिखा तो है भगवत गीता में कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा और जो होने वाला बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई होती है। यानी कि हम पाप कर्म करते चले, हम बद्दुआएं देते चले, हम घृणा करते चले, नफरत करते चले और उससे हम रिवेंज लेने की कोशिश करें और हम बोलें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला बहुत अच्छा होगा, ये चीज़ नहीं चलती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की बातें सुन करके, उनको समझ करके, उनको अप्लाई करके चलो। कि इस समय अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, इस समय जैसे हमने कल के वर्तमान में सुना कि उनका भाव क्या था, वो कहना क्या चाह रहे थे पहले समझो रिया करने से पहले, उसी तरीके से परमात्मा चाहते हैं कि अगर किसी ने कुछ किया तो फर्स्ट चीज पास्ट हम चाहते हैं। मैंने कुछ गलत किया होगा तभी उन्होंने मेरे साथ में कुछ किया है। पास्ट में हो सकता है एक साल, एक महीना, एक मिनट, एक जन्म भी पुराना या 10 जन्म पहले भी कुछ किया हो सकता है उनके साथ में। तो वो हो गया पास्ट। त्रिकाल मतलब तीन काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में कुछ किया होगा इसलिए उन्होंने हमारे साथ में बदला लेने के लिए कुछ किया, लेकिन इस प्रेजेंट में मुझे करना क्या है, इस प्रेजेंट में मुझे क्या रिवेंज लेना है, क्या मुझे तरकीब निकालनी कि उनका मैं कैसे बुरा करूं, क्या मुझे प्लानिंग करनी कि मैं उनका कैसे कोई प्रॉब्लम करूं या फिजिकल उनको हर्ट पहुंचाऊं या मेंटली हर्ट पहुंचाऊं, ये बाबा के अनुसार है कि नहीं है। नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। परमात्मा कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे दूसरे बच्चे के साथ में तुम कुछ गलत करो, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, उसने कुछ गलत किया तो मैं उसको देखूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं। तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हें मुझे फॉलो करना है, तुम्हें उसको शुभ भावना देनी, शुभकामना देनी है, उसके साथ घृणा नहीं करनी, नफरत नहीं करनी है, उनका कल्याण हो, वो भला हो, खुश रहें, सुखी रहें। ये सिर्फ तुम्हारा ही एक हक है, तुम्हारा जजमेंट देने का, तुम्हारा रिवेंज लेने का, तुम्हें उन्हें पनिशमेंट देने का हक नहीं है। अगर ये चीज़ अगर हमें एक आज समझ जाए इस दुनिया में, तो आज दुनिया में वायलेंस खत्म हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ बदला लेने की भावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ है वो उनको क्या करवाएगा क्या देगा वो जानता है। फिर आगे बात प्रेजेंट की, हमने ये सोच लिया हमें कुछ करना नहीं, बाबा के अनुसार चलना है, तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि इस समय अगर आपने किसी के बारे में शुभ भावना शुभकामनाएं सोची जबकि उसने आपके साथ में बुरा किया, तो आपका मन शांत हो गया, आपका मन सुखी हो गया। आप अब फोकस करोगे कि ये जो बुरा हुआ है इस बुरे में भी मुझे अच्छा कैसे पता करना है, कि जो हमें घाटा दिख रहा है, जो हमें खराब दिख रहा है, किसी ने कुछ काम रोक दिया, किसी ने कुछ करवाना रोक दिया, उस घाटे में फायदा क्या है। ये अगर आप हम कर पाए, वो भी कब कर पाएंगे जब हम उनसे नफरत, उनसे हम घृणा, उनसे हम रिवेंज लेने की सोचेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य पे आगे सोचेंगे, तब जाकर के हमें क्लियर पिक्चर दिखती कि जो हुआ है उसमें कल्याण कैसा है।
लेकिन अगर हमने कुछ बदला लेने की कोशिश करी तो हम परमात्मा के अनुसार नहीं चले हैं और हमें आगे नेगेटिव में भी पॉजिटिव नहीं दिखेगा। तो त्रिकालदर्शी होने का ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण भरा हुआ है, इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखना शुरू होगा। हम तो उल्टा खुश होंगे, अरे वाह उसने हमसे बदला लिया, हमारे पुराने हिसाब किताब खत्म हो गए, बस साइलेंस, चुपचाप आगे बढ़ते चलो। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प देख लूंगा, अगर आप देख रहे हैं सपने में देख रहे हैं कि आप किसी की बर्बादी कर रहे हैं, किसी और कुछ नुकसान कर रहे हैं, किसी का आप घाटा दिख रहे हैं, अगर आपके अंदर गंदे संकल्प आ रहे हैं, अपवित्र संकल्प आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अचल अडोल नहीं हैं, आप डोलेमान हैं, आपके मन बुद्धि पर आपका कंट्रोल नहीं है। तब परमात्मा कहते हैं कि अगर आप अचल अडोल हो जाएंगे तो आप महावीर हो जाएंगे, और प्रोवाइडेड आप परमात्मा के हिसाब से चल रहे हैं, तो कंडीशंस अप्लाई हैं इसमें भी। इन सब बातों को समझने के लिए और परमात्मा ने हमें कहा क्या, कैसे चलना, क्या करना है, और हमें त्रिकालदर्शी कैसे बनना है, पास्ट को हम कैसे एक्सेप्ट करें, फ्यूचर में हम कैसे बिहेव करें ताकि हमारा प्रेजेंट में हम कैसे बिहेव करें ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए और हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाए, इसके लिए साइलेंस की जरूरत है। और ये साइलेंस आती है परमात्मा से योग लगाने से, जिसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, और ये सिखाया था ब्रह्म कुमारी इसमें। ओम शांति इसके साथ।